नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। नौगढ़ तहसील क्षेत्र के खंड विकास कार्यालय सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें 40 जोड़ों का वैदिक रीति रिवाज से मंत्रोच्चारण के बीच सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी सुदामा यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुजीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नवगढ़ खंड विकास कार्यालय सभागार में 40 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया, जिसमें 3 मुस्लिम कन्याओं का मौलवी के द्वारा निकाह कबूल करवाया गया। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी कन्या को 35,000 रुपये बैंक खाते में 1 जोड़ी बिछिया, 1 जोड़ी पायल, साड़ी, पैंट, शर्ट, ट्रॉली बैग, हैंडसेट, मोबाइल दिया गया। बुधवार की सुबह से खंड विकास कार्यालय महिलाओं पुरुषों से भरा रहा। कार्यक्रम में आए हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में चकिया विधायक शारदा प्रसाद ने व्यवस्था देखकर नाराजगी जताते हुए कहा कि सामूहिक विवाह योजना में घोर लापरवाही बरती जा रही है। इसमें दूरदराज से आए हुए महिलाओं पुरुषों को बैठने के लिए उचित स्थान नहीं दिया गया। सभी लोग खड़े खड़े सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आनंद लिया। सामूहिक विवाह में चकिया विधायक शारदा प्रसाद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मणिकर्णिका खोल, पारसनाथ खरवार, लाल भरत कनौजिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान दास अग्रहरी, देवेंद्र साहनी सहित क्षेत्र भर से आए हुए महिलाएं पुरुष मौजूद थे। उत्तर प्रदेश नौगढ़ संवाददाता लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खंड विकास अधिकारी महोदय, नक्सल क्षेत्र ब्लॉक नौगढ़ में जो ये सामूहिक मुख्यमंत्री द्वारा योजना चलाई जा रही है, तो क्या नक्सल क्षेत्रों से सभी लोग आपके इस योजना में सम्मिलित हो पाए हैं? हमको जब ये जनपद स्तर से सूचना मिली कि विकास खंड नौगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाना है, मैंने अपने क्षेत्र में इस बात का प्रचार प्रसार करवाया कि ऐसी जो बच्चियाँ हैं, जो लड़के हैं, जो शादी हेतु पात्रता की उम्र रखते हैं और गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, वे लोग हमारे कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। ऐसे जोड़ों में से 34 लोगों ने सर्वप्रथम, लक्ष्य 34 था, आवेदन पत्र उपलब्ध कराया और उनका पात्रता का परीक्षण किया गया, जिसमें 34 पात्र पाए गए। बाद में आवेदन पत्र आए जिसमें 6 और भी पात्र लोग थे, लेकिन चूंकि जनपद हमसे हमको 34 ही लक्ष्य मिला था, तो हम 34 की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाद में रात में जनपद से बताया गया कि आप लक्ष्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं, बजट आने की उम्मीद है। मैंने 6 जोड़ों को और शामिल कर लिया है। इस प्रकार से मैं इस क्षेत्र के 40 वर वधु जोड़ों की आज के दिन आज इस प्रांगण में शादी संपन्न कराया है। एक मंडप में कितने व्यक्तियों को आना आवश्यक आपने बताया है? 15 लोग वर पक्ष की तरफ से और 15 लोग वधु पक्ष की तरफ से आने के लिए मैंने बोला था। और महोदय, जो मंडप के पक्ष में जो 15-15 की डिवाइड आपने किया है, इस संदर्भ में क्या इनको जलपान की व्यवस्था है या लंच पैकेट की है? जी, ये सभी, चाहे वर पक्ष के लोग 15 लोग हों, चाहे वधु पक्ष के 15 हों, मैंने सभी लोगों के लिए लंच पैकेट की व्यवस्था किया है और शादी के बाद उसको वितरण भी करवा रहे हैं। नौ दंपति, जो 9 जोड़े आज बनाए गए, आपने आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से 9 दंपति जो बने हैं, एक दूसरे को आने वाले समय और युगों तक अपना जीवन साथी बनने का एक जो कसम खाया, इनके लिए आशीर्वाद स्वरूप आप क्या कहना चाहेंगे? 9 जोड़े नहीं बने हैं, कुल 40 जोड़े आज बने हैं। इस प्रांगण में कुल 40 जोड़ों का विवाह हुआ है। मैं सभी जोड़ों को आशीर्वाद देता हूं कि वो सब परिवार अपना जीवन यापन करें, साथ ही साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी उनको मिले।